हाय यू एंड डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आज ये था कि मौसम थोड़ा ठीक था सुबह के टाइम तो मैंने सोचा कि कपड़े जो है वो मैं वॉश कर लूँ क्योंकि मुझे ही धोने पड़ेंगे तो क्यों ना मैं आज वॉश कर लूँ तो आज मेरा सारा दिन यही काम था कि मैंने सारे कपड़े वॉश किए क्योंकि मौसम अच्छा था तो उसके बाद जब आप काम करो बहुत ज़्यादा तो आपको बस यही होता है कि अब आपको एक कप टी मिले वो भी स्ट्रॉग सा हो तो फिर सिस्टर ने मुझे एक कप चाय बना के दी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनाई थी स्ट्रॉग सी चाय थी जिसे पी के मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी और क्योंकि आपको ये होता है कि जब आप थके हुए हो आप रिलैक्स होना चाहते हैं या फ्रेश होना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा बना हुआ स्ट्रॉग सा कप ऑफ टी चाहिए होता है सो मैंने दिन को भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि इधर बिजी थी तो फिर मुझे भूख भी लगी हुई थी मेरे खास साथ में पप पड़े मैं तो ये खा लूँ तो फिर मैंने चाय के साथ ही पफ खा लिए थे तो यहाँ ये नेक्स्ट डे पर मैंने जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे उतार लिए थे क्योंकि ड्राई हो चुके थे और मौसम भी कुछ ख़राब नहीं था मैंने कहा ये ना फिर गीले हो जाए बारिश वाला मौसम बना हुआ था बारिश ना हो जाए तो क्योंकि पिछले वीक भी कुछ मौसम खराब था या पता नहीं क्या था तो कपड़े वॉश नहीं किए थे तो बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे तो फिर इसलिए मैंने कल कहा था कि मौका है मैं वॉश कर लूँ सो तो ये देखें जैसा कि मैं भी आपको वेदर दिखा रही हूँ कि, कि काफ़ी मतलब बादल से बने हुए हैं और मौसम ख़राब खराब सा लग रहा है कि बारिश होगी सो फिर मैंने यहाँ पर ये सारे कपड़े उतार लिए थे और जो नीचे थे वो मैंने उतार लिए थे और फिर मैं ऊपर चली गई तोने के लिए मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े ताने के लिए ओ माय गॉड इस सर्दी में बच्चे खेल रहे हैं बस चढ़ गई मुझे वाओ wow, पिजन इनके पर काट दिए ताकि ये उड़े ना बेचारे दो ही थे कहने और बाकी तो सारे कपड़े कल उतार लिए थे छत पे लाए हुए थे क्योंकि जो क्योंकि कल बोलता हवा थी तो जो गिरते रहे उनको भी उठा के मतलब तो नीचे गिरते रहे उधर से उठा लिए थे तो ये रह गए कुछ ना रात को तार लिए गए थे भाई आया था वो उतार के लिए गया था ये शायद गिर रहे थे पता नहीं क्यों इसने उतारे या कोई आया ही नहीं आया इसका मुझे नहीं पता तो बाकी तो नीचे उतरे तो हुए पहले मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ और आज माशा से मौसम बहुत अच्छा हुआ है या अल्लाह मौसम बहुत अच्छा हुआ है मैं नीचे आ रही हूँ ना आप ना हो ना क्या देखोगी क्या बेटा आप नीचे सर्दी है ना ये यार मैंने इतने ज़्यादा कपड़े उठाए हुए हैं हाँ चलो आ जाओ आ जाओ मेरी रानी पागल उ ना फिर चक्कर लगाऊँ पहले मेरी इतनी कैलोरीज बर्न हो चुकी हैं चलो आ जाओ शाइश फातिमा प्लीज मैं फातिमा तो नहीं हूँ चल आ जा रानी आ जाओ आ जाओ ना हाँ पिजन्स, पिजन्स सच्ची बाद में आएंगे पिजन देखने के लिए ठीक है अच्छा रात में आप जा रही बस सही है ना फिर मैं नहीं लेके जाऊंगी उस जब मैं जाऊंगी तो भाई वो देखो भाई बच्चे खेल रहे हैं वो देखो रियान भाई आहद भाई जरियान भाई ये सारे बच्चे खेल रहे हैं अच्छा रुको मैं, मैं कैमरा तो मुझे नीचे करने दो तो फिर कपड़े आने के बाद भी मैंने कहा यार मतलब मौसम ठीक है जैसे तो चले चले जाते हैं हमें है चले जाते हैं वैसे भी हमारा मन होने वाला है दो तीन दिन रह गए थे मैंने कहा चलो पहले चले जाते हैं और फिर आगे भी मतलब मेरे बिजी डेज जाएंगे तो चले जाते हैं तो जैसे हम निकले तो बारिश स्टार्ट हो गया कहते नहीं जाना मैं इनका नहीं जाएंगे बारिश है तो नहीं इतनी बारिश तो हम चले जाएंगे फिर हम लास्ट में जाएंगे वैसे भी दो दिन तो है तो कहते हैं तब ना क्योंकि एम का ये रोल है कि अगर, अगर अभी दिन फिफ्टीन डेज़ और एक मंथ रहता है इन वन मंथ तो अगर आप दोबारा विज़िट करें तो वो आपको फ़ी जो है वो आई थिंक सो सिक्सटी परसेंट हाँ सिक्सटी परसेंट पड़ती है मीन कि अगर वो फ़ी हज़ार रुपया लेते हैं तो आपको छः सौ रुपया देना पड़ता है और चार सौ रुपये की बचत हो जाती है तो बाइक की ज़रूर भी मर्जी नहीं थी कि हम लोग आज जाएँ कहते हैं मौसम नहीं अच्छा बारिश हो जाएगी या नहीं जाते वो इस तरह की बातें करता रहें इनका नहीं हम नहीं जाना है तो आज ही जाना है तो भी मुझे पूरा रास्ता तंग करता रह कि यार तुम चार सौ रुपये के लिए सर्दी में आई हो बारिश हो गई ये वो बहुत तंग किया मुझे उसने बहुत तंग किया मेरे कहा चार सौ रुपये की बात थी जब इतने लगा रहे हैं मैंने चार सौ रुपये और भी लगा देता है तो है अल्लाह करके हम लोग एमएमएच एच गए थे और मौसम जो था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था रास्ते में भी ख़राब हो चुका था बारिश पीछे खासी हो गई थी फिर यह कि आज ये मजे की बात ये हुई कि आज फर्स्ट टाइम था मेरा लाइफ का जितने टाइम में मैं एम जा रही हूँ तो आज पहली बार जो है मुझे डॉक्टर के पास जाके वेट नहीं करना पड़ा वैसे तो हम लोग जाते हैं और घंटा घंटा में वेट करना पड़ता है फिर दैन जाके नंबर आता है पर आज जैसे हम लोग गए बस स्लिप ले और जैसे बोला कि कितना नंबर है कहते बैठे हैं अभी आपकी बारी है हम बैठे और गए होकर आ गए तो फिर मैंने भाई को बोला मैंने कहा ये फ़ायदा हुआ हम दोनों को आने का बिकॉज रश भी नहीं था आज बारिश हो गई थी फिर कोई आया नहीं आया जो भी सीन था हमें जल्दी नंबर मिल गया और हम जल्दी फ्री हो गए और इवन के डॉक्टर ने कहा था पी को कि अब ना इन पेशेंट के बाद किसी और पेशेंट को नहीं लेना मैंने जाना है मुझे कहीं तैयारी करना पता नहीं जाना था उन्हें शायद तो अल्लाह किया मैं डॉक्टर भी मिल गया जल्दी फ्री भी हो होगी हमारा काम भी हो गया और डे भी बच गया तो रास्ते में इसे बोला था कि आओ कहीं रुकते हैं कुछ खा पी लेते हैं वैसे भी मौसम खाने पीने वाला या घूमने वाला इस मौसम में दो ही काम अच्छे लगते हैं या तो बंदा सोया रहे या तो घूमता फिरता रहे बट इसने कहा नहीं बारिश है तो हमें घर ही जाना है तो फिर कहता है चलो रास्ते से समोसे ले लेंगे फिर हम लंदन में रुके यहाँ से हम लोगों ने समोसे लिए और समोसे लेकर आए तो हो फिर घर है तो काफ़ी सर्दी भी लगी हुई थी फिर बनाई चाय चाय के साथ हम लोगों ने समोसे खाए फिर आंटी ने बनाई हुई थी मक्की की रोटी तो उन्होंने भेजी थी मक्की की रोटी क्योंकि मुझे मकी की रोटी बहुत अच्छी लगती है और हमने आटा भी लाया हुआ है बट वीसी पकता नहीं अगर रोटी बनाओ तो सारी टूट जाती है तो उन्होंने कड़ी पकड़े साथ मकई की रोटी बनाई थी फिर उन्होंने हमारे लिए भी भेजी थी तो फिर हमने ये भी खाई थी तो ये वाइट मकई थी मतलब तो इसका कलर बहुत वाइट सा था तो कहती थी कि मतलब तो जानने वाला है अंकल का उनका कोई पठान दोस्त है तो उसने भेजी थी उसने बहुत दूर से लाके दी है इस वजह से व्हाइट कलर और बहुत मज़े की थी वैसे बहुत मजे फिर शाम को सारे गए थे रिलेटिव के घर उधर बेबी गर्ल ले उसको देखने के लिए लिए गए थे उनके मुबारक देने के लिए गए थे तो मुझे सर में दर्द मैं नहीं गई थी फिर उन्होंने जो है वो समोसे नगर सैंड रूट केक था और बर्फ़ी थी नीमको नीमको कैगियों बिस्किट थे और मिठाई वगैरह थी ये चीज़ें फिर उन्होंने मेरे लिए घर भेज दी थी तो फिर मैंने कहा चल मैं खाती हूँ मुझे साथ ही बैंक से कॉल आ गई थी कुछ डिटेल चाहिए थी उन्हें मैं वो डिस्कस करने लगी तो जब मैं वापस आई तो यहाँ पे सब चीज़ें गायब थी बस ये थोड़ा सा समोसा छोड़ दिया था ने और एक डेढ़ नगर छोड़ दिया था मैंने कहा दी खाने वाली चीज़ें आप लोगों ने खा ली हैं और बाकी चीज़ें मेरे भी छोड़ दी मिठाई बिस्किट वगैरह मुझे पसंद ही नहीं है तो एनी वेज अब यहाँ पर मैं वॉक एंड करती हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अपना स्टूडियो तब तक आपस